दोस्तों नमस्कार। जुक्की मोटर में ब्रेक नहीं लग रही है तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, इसको हम लूज़ करेंगे, फिर इस पैडल को थोड़ा ऊपर करेंगे। तो दोस्तों हमारी पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखेंगे, आपसे यही अनुरोध है हमारी पूरी वीडियो देखें, तब आपको बिल्कुल जुक्की मोटर के बारे में नॉलेज हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। यहाँ ब्रेक लगाने के बाद देखेंगे कि ब्रेक काम कर रहा है, लेकिन बहुत नीचे ब्रेक लग रही है, इससे आपका काम नहीं चलेगा। देख रहे हैं बहुत नीचे आपका पैडल दब रहा है, तब यह ब्रेक लग रही है और क्लच भी सही तरह से काम है। अब दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, ब्रेक कहाँ से सही होता है। तो आप यहाँ थोगे, अब यहाँ देखेंगे कि एक नट, एक बोल्ट और एक स्क्रू लगा हुआ है। देख रहे कितना अंदर बाहर हो रहा है। दूसरी सेटिंग आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे जो नट बोल्ट, जब इसको हम दबाते हैं तो कितना अंदर बाहर रोड जा रही है। तो इसका मतलब जब आप मशीन को चलाते हैं तो ब्रेक नहीं लगेगी। तब आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप देखते हैं कि एक लंबा सा नट बोल्ट लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू को पहले लूज़ करेंगे आप, फिर बोल्ट को लूज करेंगे। ये यहाँ पर देख रहे हैं ये लगा हुआ है, इस बोल्ट को लूज करेंगे और नट को टाइट करेंगे। इस तरह से नट बोल्ट को ढील करेंगे, नट को टाइट करेंगे। इतना एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये पैदल थोड़ा सा भी दबे और ब्रेक लग जाए। हम और लूज करते हैं। अब इस पर चेक करेंगे, अब भी बहुत गैप बता रहा है। अब हमें इस गैप को और कम करना है, तो ये इसको लूज करेंगे। जब सेटिंग हो जाए तो इसको हम टाइट करेंगे, ताकि ब्रेक शू हमारा, इसको हम टाइट कर देंगे। और ये टाइट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और बोल्ट को लूज़ करेंगे, देखेंगे कि अभी भी बहुत ज़्यादा पैडल, बहुत ज़्यादा गैपिंग है। तो हमें इस गैप को हटाना है। इतना ज़्यादा गैप हो जा रहा है कि मोटर में ब्रेक नहीं लग रही है सही तरह से। अब ये बिल्कुल जो इसका बोल्ट नट बिल्कुल बैठ गया है, बैठ गया, इसका मतलब आपका ब्रेक शू खराब हो गया है और इसका क्लच भी आप चेंज करेंगे। इसको हम टाइट करेंगे, बिल्कुल लास्ट पे है ये, जब इतना दूर नहीं जाना चाहिए। देख रहे हैं ज़्यादा गैप हो रहा है। अब ये इतना दूर हो गया है कि इसको हमें ब्रेक शू और क्लच को रिपेयर करना पड़ेगा, नया लगा। तो इसके लिए हमें इस तीन ये जो पेच लगे हुए हैं, इस पेच को तीनों को हमें खोलना है मोटर पे होंगे। एक ये है, एक ये है, दो हो गए, और एक उधर साइड देखोगे तो इन तीनों को खोल के हमें इस पूरा क्लच कवर को बाहर निकालना है। तो दोस्तों
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। अब इसे हम खोल दिए, खोल के ये दिखाता हूँ, ये आपका क्लच है। ये क्लच अगर बिल्कुल कट जाता है या रगड़ खिसने से घिस जाता है, तब जब पैदल दबाते हैं तो आपकी मशीन नहीं चलती है, मोटर का जो क्लच है वो नहीं घूमता है। तो आप इस क्लच को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास जुक्की कार्क, इसको कार्क कहते हैं, आपको इसको इस क्लच के ऊपर नया लगाना पड़ेगा। ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जुक्की कार्क है। तो दोस्तों हम आपको जो वीडियो बना के दिखाता हूँ बिल्कुल अच्छी से अच्छी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके समझ में आए। अगर आपको क्लच साटना है तो इसको हमें ये जो चार स्क्रू लगे हैं इसको खोल के प्लेट, अब हम आपको पूरा कंप्लीट क्लच ब्रेक को बाहर निकालना सिखाएंगे आपको। यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को आपको खोलना है। ये पहले आप क्लच की जो स्प्रिंग है इसको भी खोलेंगे। अब आपको ब्रेक शो और क्लच दोनों कैसे चिपकाया जाता है क्या क्या कौन सा सॉल्यूशन उपयोग होता है, तो यहाँ पे एक रोड है, इस रोड में लॉक लगा हुआ है, तो आप इस लॉक को हमें बाहर निकालना है। इसको आपको अच्छी तरह से निकालना पड़ेगा। ये लॉक निकल गया, अब इस जो इसमें रोड लगा इसको आप पीछे साइड से निकालेंगे, चोट मार के वो बाहर से निकालेंगे। इस स्प्रिंग रोड को भी हम निकालेंगे। सावधानी से निकालना पड़ेगा आपको, और ये थोड़ा आगे पीछे करके ये बाहर आ गया। अब आपका एल रोड भी निकल आया। अब आप क्लच को बाहर निकालेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, सूखा हुआ इसमें थोड़ा तेल नहीं पड़ा हुआ इसलिए निकलने में दिक्कत दे रहा है। अब खींचेंगे और ये क्लच बाहर आ गया, ये आपका क्लच है और ये आपका ब्रेक शो है। इस ब्रेक शो को निकाल के आपको नया ब्रेक शो इसमें चिपका देना है। देख रहे हैं घिसा हुआ है, इसको आपको निकालना है और इसके ऊपर नया लगा देना है, आपका बिल्कुल काम करने लगेगा। अब आपको हम ले चलते हैं क्लच की ओर। ये ब्रेक शो, ये जुकी कार को इसी साइज से आपको इसको काट लेना है। काटने के बाद अब इस ब्रेक शो को आपको चिपका देना है, फिर इसको आपको ये देख रहे हैं बराबर से ये कटा हुआ है, घटा बड़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपको इसको लगाना पड़ेगा। अब ये तो ब्रेक शू हो गया, अब आपको ले चलते हैं हम क्लच की ओर। तो जैसे ये है उसी तरह क्लच भी लगेगा, एक क्लच है हमारा, इसको ये निकाल के बाहर कर देंगे, ये ख़राब हो चुका है, इसमें नया कार्क डालेंगे हम। इसको आप पेचकस की सहायता से
निकालेंगे, ध्यान रहेगी आसानी से निकालें, हाथ में भी चोट लग सकती है, इसीलिए हम इसको आसानी से निकालेंगे। निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको हम लगाएंगे, ये इसका पिछला भाग है, पिछला भाग, और हम इसको इस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों आपको मैं पूरी वीडियो विस्तार से दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को भगा भगा के ना देखें, आप भगा के देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। हम समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको भी चाहिए कि हमारी वीडियो पूरी देखें। और ये तो दोस्तों ये निकल के बाहर हो गया, बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा कर देंगे, कहीं इसमें डस्ट जमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप इसे, और ये बिल्कुल साफ कर देना है, बिल्कुल चिपका देना। अब हमारे पास इसको चिपकाने के लिए एरेलाइट, कई प्रकार के चिपकाने के लिए होते हैं, जैसे हमने ये बोन टाइट ए बी, ये दो प्रकार के हैं, दोनों को आपस में लिक्विड को डाल के हम आपस में मिक्स करेंगे। जैसे ये हमारा ए है और दूसरा वाला बी है, बॉन्ड टाइट, ये बी है, ए बी मिला के दोनों को एक में इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके इसको मिक्स करना है, मिक्स करके इसी के ऊपर हमें लगा देना है। और ये झुक्की जो कार्क होता है इसी के ऊपर इसको आपको चिपकाना है, कोई प्रेशर से रख देंगे। तो चलो हम इसको पहले मिक्स करके आपको दिखाते हैं। तो दोनों को हम जितना हमें आवश्यकता है उतना निकालेंगे, ये बॉन्ड टाइट है, तो एक आपको एरोलाइट भी आती है उससे भी चिपकाया जाता है, तो दूसरा हम दूसरा बी वाला, पहला ए वाला था, दूसरा बी वाला, इसको भी हम इसी में निकालेंगे। बराबर बराबर से होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इसको भी निकाल लिया, अब इसको हम आपस में मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल वाइट कलर हो जाए, जो कुछ येलो कलर दिख रहा है बिल्कुल वाइट हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा बन जाएगा। तो इसको खूब मिक्स करना है, जैसे आप इसको मिक्स करेंगे तो इसमें वाइट सा कलर आने लगता है, जब वाइट सा कलर आ जाए तो इसको आपको लमसम पूरा भी हो चुका है और ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया, वाइट कलर आ गया। और ये बिल्कुल मिक्स हो गया, अब इसको हम लगा देंगे। कार्क के ऊपर हम इसे लगाएंगे, आप इसको कोई चौड़ी पत्ती ले लें या किसी अन्य चीज से इसको जल्दी लगा सकते हैं। फिर हमारे पास यही है, तो ये लगा दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे टेक्निक वीडियो बनेगी तो आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना है। अब इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब इसको हमें ये झुक्की कार्क जो प्लेट होती है उसके ऊपर
रख के और इसको फिर हमें पलट के इसे उठा लेना है इस प्रकार से। अब इसके ऊपर कोई पोलोथीन रख के फिर इसके ऊपर कोई वजनदार वजन वस्तु रख देनी है ताकि ये अच्छी तरह से चपक जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो पाए। चलो तो हमारे पास एक डिब्बा है, मैं इसको रख दिया हूँ और ये बिल्कुल 5-6 घंटे में बिल्कुल सूख जाएगा और अच्छी तरह से चपक जाएगा। अब देखिए बिल्कुल चिपक गया है और ये तैयार हो गया है लगाने के लिए। तो ये बिल्कुल आपका कलच की जो जुग की कार्क है प्लेट बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको आप लगा सकते हो। यहीं पे इसको लगा के बिल्कुल टाइट कर देना है जो 4 नट हैं। अब हम चलते हैं ब्रेक शू के ऊपर। ये जो क्विक ब्रेक है इसको भी इसी तरह से चिपका देना है। ये ब्रेक शू है, इसको जो लोहे की प्लेट है उसको बढ़िया से साफ करना है और इसके ऊपर इसको चिपका देना है इसे। चलो हमारे पास पहले ही मैं गोंद को बना रखा हूँ और इसको हमें इसके ऊपर लगा देना है। और ये बढ़िया से इसके ऊपर लेप लगा दिया गया है। अब हमें इसके ऊपर रख देना है, बिल्कुल आपस में इसको चिपका देना है। फिर चिपका के और इसके ऊपर कोई वजन वस्तु रख देनी है। अगर वजन वस्तु ना मिले तो आप उसको धागा से दोनों को पकड़ के बांध देना है। ये इसको हाँ पीछे आगे करके और बिल्कुल इसे भी सूखने में 4-5 घंटा लग जाएगा। तो आपको अगर मशीन के अंदर लगा देना है तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको एक धागा लेंगे जिसे डोरा कहते हैं, रील भी कहते हैं, तो इसको आपस में खूब टाइट कर देंगे, खूब टाइट करके बांध देंगे और इसको बांधने के बाद मशीन के अंदर लगा सकते हैं। मशीन को आपको चलाना नहीं है, फिर भी इसको सूखने के लिए 3-4 घंटा लगेंगे ही, तो मशीन को आपको चलाना नहीं, खाली क्लच के अंदर इसे लगा देना है। अभी इसमें धागा कम है और इसमें धागा की आवश्यकता है तो मैं इसमें और अभी धागा लगाता हूँ। ये इस प्रकार से इसको लपेट दिया गया है। और ये लग गया है। अब इसमें एक जहाँ पे होल है उसके ऊपर एक धागा आया होगा, उस धागे को थोड़ा हटा देना है ताकि अंदर इस पे बैठ जाए नट के ऊपर। हाँ इस प्रकार से ये बैठ गया।
अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लच डालेंगे, यहाँ पर इस पर जो घूम रहा है इसके ऊपर आपको बढ़िया से तेल लगा देना है, ऑयल। चलो हमारे पास ऑयल है, हल्का सा मैं इसके ऊपर मार देता हूँ, ये बिल्कुल ताकि आगे पीछे बिल्कुल फ्री चले। आसानी से बैठ जाएगी, अभी बैठा दिया गया है, बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एडजस्टिंग पीछे से जो एडजस्टिंग है उसको लूज करना है ताकि ये आराम से क्लच बैठ जाए। अब हम जो क्लच के जो जो चीज पार्ट खोले हैं, पहले ये हैंडल इसको लगाएंगे जो क्लच को ब्रेक को आगे पीछे करता है, और इस पर हम रोड लगाएंगे, इसको भी बैठाना है आपको, लॉक वाला रोड जो है। थोड़ा इसको जब सेंटर मिलेगा दोनों को तभी ये अंदर जाएगा, वरना यह नहीं जाएगा। ये लग गया, अब इसके ऊपर हम लॉक लगा देंगे, जो लॉक लगा हुआ था ये लॉक बैठा के इसको किसी चीज़ से हल्की सी चोट मारेंगे तो ये बैठ जाएगा अंदर। और ये बैठ गया है, अब देखेंगे इसको, अब स्प्रिंग जो क्लच स्प्रिंग होती है उसको लगाएंगे, ये स्प्रिंग हो गई। इसमें एक स्प्रिंग कवर वाशर होता है, एक ये होता है, अब इसको लगा के हमें बढ़िया से टाइट कर देना है। अब ये ज़्यादा टाइट था, इसको हम नट को लूज करेंगे ताकि क्लच और बैठ जाए अपनी जगह जाके। ये अब इसको एक जो नट होता है इस नट को भी हमें टाइट करना है, जो क्लच प्लेट के ऊपर इसको घूमने नहीं देता है। अब हम इसमें एक इसको और टाइट करेंगे, अब इसके ऊपर हमें लॉक लगा देना है, लॉक लगा के अब इसको पे हमें पुल्ली लगानी है। पुल्ली भी उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए, जिसमें हमें अब इसको हमें लगा के टाइट कर देना है। ये टाइट हो गई, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।